हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि आप 2000 का नोट बैंक में किस तरह से एक्सचेंज करें और उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ये बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म है, इसी तरह सारी बैंकों का फॉर्म होगा। तो ये बैंक ऑफ इंडिया का है, अनेक्चर 3। इसमें लिखा है रिक्वेस्ट स्लिप फॉर एक्सचेंज ऑफ बैंक नोट्स इन डिनोमिनेशंस ऑफ 2000 रुपये का। तो सबसे पहले पूछ रहा है ये नेम ऑफ ब्रांच, जो आपके आसपास ब्रांच हो। तो मैं लिख देता हूँ ओखला फेस वन। उसके बाद बोल रहा है बैंक अकाउंट इफ एनी, अगर है तो भरो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये पूछता है नाम, जिसका जमा कर रहा है, जो बंदे एक्सचेंज कर रहा है उसका नाम। अब बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन इन द आईडी प्रूफ सबमिट, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ दे, उसके साथ उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। तो हम यहाँ आधार कार्ड नंबर लिख देते हैं अपना। यहाँ पे बोल रहा है डिटेल ऑफ बैंक नोट सबमिट फॉर एक्सचेंज, मतलब आपको जो नोट है उसकी डिटेल दीजिए, कितने नोट करने हैं कितने नहीं करने हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 5 दुनी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10। और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ टेंडर, यहाँ पर आप अपने साइन कर देंगे। यहाँ प्लेस दिल्ली और डेट 26/5/2023। तो इस तरह से आप लाइन में लग के अपने 2000 के नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं। याद रखें यहाँ 10 से ज़्यादा नोट नहीं होने चाहिए, नहीं अदरवाइज़ वो नहीं देगा। 20,000 से ज़्यादा आप एक्सचेंज नहीं करा सकते। और ये आप किसी भी बैंक में जाके, इस तरह का फॉर्म होगा, किसी भी बैंक में जाके चेंज करा सकते हैं। चाहे आपका अकाउंट नंबर हो या ना हो, अकाउंट हो उसमें ना हो, कोई मतलब नहीं है। या आप कहीं भी जाके किसी से भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने भी कराया बैंक ऑफ इंडिया में, जबकि मेरा कोई अकाउंट नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया में आईडी प्रूफ दिया मैंने, और मैंने 4 नोट कराए थे 8,000 रुपये। तो इस तरह से मैंने एक्सचेंज करा लिए। तो आप भी किसी भी बैंक में जाके 2000 का नोट एक्सचेंज करा सकते हो। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।